हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक प्रिंटर आया है मेरे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं M2140। इस प्रिंटर में ये दिक्कत है कि इसको ये पावर केबल लगा रहे हैं, ये ऑटोमेटिक चालू हो जा रहा है, यहाँ डिस्प्ले तो जल ही नहीं रही है। ये कुछ देखो, इस प्रकार से चालू हो गई है। पहले अपन ने पावर केबल लगा दी है, पावर केबल लगाइए और ये दबाना वाना कुछ नहीं है, ये जलेगी नहीं और ये हेड अपना अपने आप ही चलने लगेगा। ये देखिए डिस्प्ले बिल्कुल भी नहीं जल रही है और ये हेड अपने आप चलने लगा है। इस दिक्कत का सॉल्यूशन अभी आपको वीडियो में दिखाते हैं और करके पूरा लाइव प्रूफ दिखाएंगे आपको, बने रहिए लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं, इसको अपन बंद कर देते हैं, इसकी पावर भी बंद कर देते हैं यहाँ से केबल खींच के। करना क्या है, पहले अपन को ESF ट्रे निकाल लेना है। इसमें एक यहाँ पर नट लगा रहता है तो नट को खोल लेना है। मैंने इसका पहले से खोल लिया है इसलिए इसको यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से कुछ इस प्रकार से, और पीछे की तरफ खोल लेना है ऐसे, तो ये निकल आएगा। इसको साइड में रखेंगे और इस वाले को खींच लेंगे। ये अब यहाँ से स्कैनर केबल खींच लेंगे, मोटर केबल को भी खींच देंगे और इस कैप को भी खींचेंगे यहाँ से ऐसे। ये खींच गया, अपनी आएगी ये केबल ख़राब। इसको देखना कहीं ना कहीं ये कटी होगी केबल, जैसे कि मेरी केबल कहाँ कटी है, जैसे कि देख पा रहे हैं ये थोड़ी सी कट दिख रहा है, ये यहाँ पर जहाँ मेरा नाखून है वहाँ देखो आपको कट दिख रहा होगा, ये यहाँ पर कटी है। तो इस केबल को चेंज करना है अपन को, पहले आपको यहाँ से खींच लेनी है केबल। और ये ध्यान देना, ये आपको ध्यान देना है कि ये नीला वाला ना ऊपर रहेगा, इसके पैंच नीचे की तरफ रहेंगे, ये नीचे की तरफ रहेंगे और नीला ऊपर रहेगा। अब क्या करना है, इस प्रकार से कर लेना है। अब ये नट भी खोलना है और इस साइड का ये नट खोलना है, इन दोनों नट को खोल लेना है। अब इसको आगे की तरफ कर देंगे तो ये खुल जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, ये अपना निकल चुका है। अब ये वाला अपन को नट खोलना है, इंक पैड वाला। चलिए खोलते हैं, ये अपना नट खुल चुका है। तो यहाँ पे नाखून लगा के और पीछे की तरफ को ढक्का दे देना तो ऐसे खुल जाएगा। इंक पैड को भी ऐसे निकाल लेना है यहाँ से, तो साइड में रखेंगे। और यहाँ पे इसमें भी यहाँ पर नट लगा रहता है और एक यहाँ पर नट लगा रहता है, जैसे कि ये मेरा नीचे का नट, तो ये वाला तो इसमें खुला है और ये वाला खुला नहीं है, तो इसको खोलते हैं। ये हमने यहाँ से नट खोल दिया है, इसको पीछे की तरफ ढक्का देंगे तो ये खुल जाएगा। यहाँ से पकड़ना है आपको, ये कुछ इस प्रकार से, ये खुल गया। इसको साइड में रखेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। अब इसमें लगे हैं, तो एक नट ये लगा है यहाँ पर और एक यहाँ लगा रहता है, एक यहाँ लगा रहता है, एक ये लगा रहेगा और एक ये लगा रहेगा, एक ये लगा रहेगा यहाँ पर, ये दिख रहा है, एक यहाँ लगेगा। छह नट लगे रहते हैं, चार यहाँ लगेंगे, दो यहाँ लगेंगे नीचे की तरफ। ये चार नट खोलेंगे पहले, अभी हमने इसके सारे नट खोल दिए हैं। अब आपको करना क्या है, ये यहाँ पर एक सेंसर लगा रहता है इसका, सेंसर को इस प्रकार से निकाल लेना है। यहाँ पकड़ेंगे आप और ये कुछ इस प्रकार से निकल आएगा, इस प्रकार से घुमा के। इसको भी साइड में रखेंगे, और जो हमारी पैनल केबल है वो ये है। अब इस पैनल केबल को अपन खींच लेंगे, और इसकी ये भी ध्यान ले, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये नीली पट्टी है ना,
ये नीचे रहेगी हमेशा और ये पैच उसके ऊपर रहेंगे। इसको चेंज करते हैं अपन। अब आपको अपनी पैनल केवल कुछ इस प्रकार से लगा लेनी है और इसको यहाँ से निकाल देना है, यहाँ से कुछ ऐसे, और ये अपना यहाँ पर लगेगा ऐसे। और अपना अब इसका ऊपर का ये ढक्कन लगेगा, ये लगेगा, ये कुछ इस प्रकार से लगेगा। इसको पहले खड़ा कर देंगे, इस बॉडी को पकड़ेंगे कुछ इस प्रकार से और इस प्रकार से इसमें डाल देंगे ये, सीधी कर देंगे इसको। अब ये सेंसर भी लगा देंगे इसका, सेंसर हमारा भी लग गया। इसको थोड़ा इस साइड करना है और इसको बैठा देना है। आपको कुछ इस प्रकार से बिठार देना है और इसके सभी नट कस देते हैं। चलिए नट कसते हैं। अपन ने इसके सारे नट कस दिए हैं। अब इसको क्या करना है, अब इसका स्कैनर लेंगे। ये रहा मेरा स्कैनर, ये कुछ इस प्रकार से इसको रखेंगे। स्कैनर अपना बैठ गया है। अब इसको थोड़ा मोड़ लेंगे इस तरफ। अब ये खाली दिख रहा है ना अपन को। अब इसको अपन इस स्कैनर को पीछे की तरफ कर देंगे और इसके पहले नट कस देंगे। चलिए करते हैं इसको पीछे। अब जैसे कि देख पा रहे हैं हमने इसका लॉक यहाँ पर सही से बिठार दिया है और इसके पैंच कसेंगे। जैसे कि देख पा रहे हैं हमने इसके पैंच कस दिए हैं। अब इसका इस साइड के ये पैनल केबल लगाएंगे पहले, यहाँ से पैनल केबल को लेंगे और पैनल केबल को लगाएंगे अपन। ये कुछ इस प्रकार से अपनी पैनल केबल को लगा देना है और यहाँ से पहले मोटर केबल को लगाएंगे और ये स्कैनर केबल को भी लगाएंगे। हमारी स्कैनर केबल और मोटर केबल लग चुकी है और इसको सही से बिल्कुल बिठा देंगे। ये कुछ इस प्रकार से बैठेगी, ये वाला है ना, ये यहाँ पर बैठेगा। यहाँ पर इसको बिठाते हैं। ये कुछ आपको इस प्रकार से इसको लगा देना है। इसका यहाँ का भी एक ढक्कन होगा, वो भी लगा देते हैं। इसको आपको इस प्रकार से लगा देना है। ये ढक्कन भी अपना लग चुका है। अभी अपना लॉक फिट हो गया। अब इसका ये कवर लगाएंगे यहाँ से, कुछ इस प्रकार से ऐसे लगा लेना है और यहाँ से ऐसे कर देना है तो ये लग जाएगा। और ये यहाँ का नट लगा देना है। इसका नट लगा देते हैं। मैंने यहाँ का नट लगा दिया है। अब उस साइड का भी इसका कवर लगा देते हैं। इसका कवर लगा देते हैं। ये बिल्कुल उसी प्रकार से लगेगा जैसे उस साइड का कवर लगाया मैंने। ये भी उसी प्रकार से लगेगा। जस्ट ऐसे लगा देना है और ये वाला लॉक देखना है, ये थोड़ा अंदर करना है ऐसे और यहाँ करके ऐसे घाल देना है। थोड़ा यहाँ पे पकड़ के और पीछे से घाल देना है। ये हमारा फिट बैठ चुका है। अब इसका इंक पैड लगाते हैं। इंक पैड जरूरी लगाना है वरना वहाँ पर इंक पैड का एरर बताएगा। ये हमने इंक पैड भी लगा दिया इसका।
और इसका ASF लगा देना है। और इसका कवर लगा देना है, लग गया। इसको चालू करके देखते हैं, पावर केबल लगानी है अपन को। पावर केबल हमने लगा दिए, तो इसके ये बत्ती भी जलने लगी, पहले ये जल नहीं गई थी बिल्कुल से भी, और ये डिस्प्ले भी आ गई इसकी। ये देख पा रहे हैं, हेड भी चल रहा है और इसकी डिस्प्ले भी आ गई है। भाई हमारा प्रिंटर रेडी हो चुका है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।